आजम इमरान खान इस वक्त बाजौड़ में कबायली अमायदीन से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त बाजौड़ में मौजूद हैं और बाजौड़ के और कबायली अजला के तरक्याती मंसूबों के हवाले से मुख्तलिफ मौकों पर वजीर आजम इमरान खान बात करते नजर आए हैं। आपके इलाके में पहली दफा 1992 में आया था, मैं ये सारे इलाके में फिर रहा था, एक किताब लिख रहा था सारे कबायली इलाकों के ऊपर, तो मैं पहली दफा बाजौड़ तब आया था। मैं जिस तरह महमूद खान ने कहा, शायद ही कोई पाकिस्तान का पॉलिटिशियन कबायली इलाके को मेरे से बेहतर समझता है, क्योंकि मैं सारा कबायली इलाके में फिरा हूँ। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जब कबायली इलाका जम हो गया पख्तूनख्वा में, और मुझे पता है कि कबायली इलाके के लोगों को किन चीज़ के खदशात थे अगर जब ये जम होना था, और मुझे ये भी पता है कि अगर ये जम ना होता तो कबायली इलाके के लोगों ने कैसे जिंदगी की रेस में पीछे रह जाना था, और पीछे रह गए हैं। और ज़्यादातर यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ता है नौकरियाँ लेने के लिए, रोज़गार के लिए इनको उन इलाकों में जाना पड़ता है दुनिया में, दुबई में, सऊदी अरेबिया, कराची। और उससे भी मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ कि कितना मुश्किल माओं के लिए, बीवियों के लिए, बच्चों के लिए होता है जब उनका कमाने वाला और किसी शहर में काम करता है या किसी मुल्क में काम करता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था कि जब ये पहला कदम लेना था इस कबायली इलाके को जम होना पख्तूनख्वा के साथ, इससे अब ये भी जो कनेक्टिविटी है, यानी कि जो सड़कें बनेंगी आपका मुकम्मल तौर पे, आपकी जो पहले तो किसी को पता ही नहीं था कबायली इलाके का, अब आपका कबायली इलाके का और पख्तूनख्वा के इलाकों का और पाकिस्तान के बाकी इलाकों का अब इसका सारा कनेक्शन हो जाएगा। ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपके लिए तजारत में भी आसानी हो जाएगी, ये सड़क है, इससे तजारत में आसानी हो जाएगी, लोगों को यहाँ आना होगा, यानी अगर किसी ने यहाँ के कुछ कारखाना लगाना हो तो वो तो पहले तो बड़ा मुश्किल था यहाँ पहुँचना, तो ये अब सब आसानियाँ होती जाएंगी कनेक्शन से। लेकिन जो असल बात महमूद खान ने की कि हमने इन इलाकों के अंदर तालीम को आम करना है, और तालीम भी जिससे लोगों को नौकरियां मिलें, हुनर सीखें लोग, ये ज़रूरी इसलिए है कि आज तक कोई माशरा दुनिया में तालीम के बगैर तरक्की नहीं किया, और कबायली इलाका तालीम में सबसे पीछे रह गया था। आप 70 साल में देख लें कि कबायली इलाके से लोग अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी थी तो या वो पेशावर जाते थे या फिर वो और शहरों में जाते थे, यहाँ वो नहीं कर सकते थे। अब हमारी कोशिश ये होगी कि कबायली इलाकों को डेवलप करें ताकि यहीं आपको रोजगार भी मिले, तालीम भी मिले, यहाँ कारखाने लगें, डेवलपमेंट यहाँ हो। और जो एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि अफगानिस्तान में अब जो बातचीत चल रही है तालिबान की और अफगान गवर्नमेंट की, और एक अमन की तरफ वो मुल्क जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा बाजौड़ और बाकी कबायली इलाके के इलाकों में इसलिए होगा क्योंकि आपके कनेक्शन है, आप तजारत बढ़ जाएगी, आसान होगा यहाँ से सेंट्रल एशिया जाना, बल्कि ये आपके इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह खुशहाली आएगी जबकि यहाँ आपका कनेक्शन अफगानिस्तान और उससे आगे सेंट्रल एशिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग पुराने सदियों से तजारत तो करते थे, तो अब वो आपके लिए आसानियाँ होती जाएंगी। और दूसरी चीज़ जो हमने कबायली इलाके में फैसला किया कि हम सबको यहाँ हेल्थ कार्ड देंगे। हेल्थ कार्ड इसलिए ज़रूरी है, मुझे पता है कि जब लोगों को कोई भी बीमारी होती है तो आगे लोगों का आम लोगों के लिए आगे उनके पास मुश्किल से गुजारा होता है अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए, तो जब बीमारी होती है तो लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब इंशाल्लाह सारे कबायली इलाकों के लोगों के लिए वो हेल्थ कार्ड होगा। हेल्थ कार्ड का मतलब कि 7.5 लाख रुपया एक साल एक खानदान कहीं भी जाके इलाज करवा सकता है उसकी वजह से,
और ये मैं समझता हूं महमूद खान आपने जो फैसला किया आपकी और आपकी काबीना ने कि सारे पख्तूनख्वा के लोगों को आप हेल्थ कार्ड पहुंचाएंगे, ये आप ये समझें कि हमारे हमें तो छोड़ें, हमारे तो अभी हालात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है एक मुल्क मिला हमें बिल्कुल मकरूज, जो यहां पहले हुक्मरान थे उन्होंने मुल्क लूट के तो सारे अब लंदन में उन्होंने बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, तो वो मुश्किल छोड़ के गए हैं यहां। उसके बावजूद अगर हम ये पख्तूनख्वा सबसे पहला सूबा होगा जो कि सबको हेल्थ इंश्योरेंस देगा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में भी ये नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस सारे शहरियों के लिए, अमरीका जैसी जगह में नहीं है, थोड़े से मुल्क हैं यूरोप के अंदर मुल्क जो इस तरह अपने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इसकी सबसे बड़ी मुझे खुशी यह है कि ये जो हम एक दिन ख्वाब देखते हैं पाकिस्तान को मदीना की रियासत के उसूलों पे एक अजीम कौम बनाएंगे, मदीना की रियासत के अंदर सबसे बड़ी चीज एक फलाई रियासत थी, सबसे बड़ा रियासत ने जोर दिया अपने कमजोर तबके की मदद करना, उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करना। तो ये बहुत बड़ा पहला कदम है और दूसरा तालीम सबको देना, फिर हुनर स्किल एजुकेशन जिसे कहते हैं, नौकरियां आपकी ये जो बॉर्डर ये बॉर्डर मार्केट्स यानी बॉर्डर के ऊपर आप मार्केट्स बना रहे हैं और ये सारे जिधर जिधर भी आपकी अफगानिस्तान से बॉर्डर होगा वह मार्केट्स बनेंगी ताकि उधर वो पूरा का पूरा तजारत का आपको मौका मिले और स्मगलिंग नहीं तजारत। और इंशाल्लाह जो मेरी ये उम्मीद है कि ये जो सारा कबायली इलाका है ये दुनिया तो छोड़ें पाकिस्तान के लोगों ने नहीं अपना कबायली इलाका देखा, मैं जब लोगों को पहली दफा यहां 28 साल पहले जब आया था तो लोगों को किसी को यकीन नहीं आता था कि मैं कबायली इलाका जाके और जिंदा बच के वापस आ गया, तो अब वो लोग खुद देख सकेंगे कबायली इलाके को। और इसलिए इसमें बड़े बड़े पुरानी जगह हैं और इसमें बड़े बड़े खूबसूरत इलाके हैं और वो भी डेवलप करेंगे इंशाल्लाह टूरिज्म के लिए। ये सड़कें जो आपकी बन रही हैं तजारत के लिए भी फायदा पहुंचाएंगी, टूरिज्म के लिए भी आपको फायदा होगा। इस वक्त पख्तूनख्वा के अंदर जो सबसे ज्यादा हमने जब सर्वे की कि 2013 से हमारी जब गवर्नमेंट आई 2018 तक तो सारे पाकिस्तान में जो गुर्बत सबसे तेजी से कम हुई वो पख्तूनख्वा में हुई थी 2013 और 18 के बीच में। तो जब हमने उसकी भी फिर सर्वे की तो पता चला कि जो एक सबसे बड़ी वजह गुर्बत कम होने की थी वो टूरिज्म थी। पख्तूनख्वा में टूरिज्म कई गुना ज्यादा बढ़ी है उन 5 सालों के अंदर और आखिरी 2-3 साल में खास तौर पे। तो जब टूरिज्म होती है तजारत बढ़ जाती है, पैसा आता है इलाकों में, रोजगार लोगों को मिलता है। और ये जो आज सड़क की हम आज इफ्तिताह कर रहे हैं इससे इंशाल्लाह तजारत भी और टूरिज्म भी बढ़ेगी। मैं आखिर में यूएई का खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शेख मोहम्मद का, उन्होंने जो ममन से बजौड़ तक सड़क उन्होंने यूएई की गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की हुई है, तो मैं आज उनका भी खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया।